हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? देखिए, करवा चौथ का सामग्री लाए हैं, चूड़ी लाए हैं, और चूड़ी के मिलाकर पहनेंगे कंगन लगाकर, और बहुत अच्छा लगता है चूड़ी। इसमें बहुत सारा सामान लगता है। अभी हम चूड़ी मिला रहे हैं, देखिए दोस्तों, चूड़ी मिला कर रख दिए हैं, जिसके साथ कंगन लगाएंगे, कंगन लगा के पहनेंगे। ये ग्रेड चूड़ी लाए हैं क्योंकि हमारा आज करवा चौथ है, कल हमारा शादी का सालगिरह है, उसमें पहनेंगे। ये रेड वाला जो है कल पहनेंगे, और ग्रीन वाला आज पहनेंगे। और देखिए दोस्तों, ये करवा चौथ का सामग्री नारियल है, दिया है, छोटा दिया, बड़ा दिया, और इसमें सेब, संतरा ये सब लाई है, और चूरा भी लगता है, और गट्टा है। और देखिए दोस्तों, सारा सामान रखे हुए हैं, कितना सारा सामान लाए हैं। ये लड्डू है जो कि बूंदी वाला लड्डू चढ़ता है गणेश भगवान को। ये अनार है, संतरा है, सेब है, इसमें बहुत सी सामग्री लगता है, तरह तरह की सामग्रियाँ लगती हैं, जिसके पास जितना होता है। क्योंकि हम लोग पांच रंग का फल चढ़ाते हैं, इसमें देखिए चूड़ा, लाई, गट्टा ये सब भी चढ़ाते हैं, जो कि अनिवार्य है। ये हमारा मेवा है, और मेवा को भी हम चढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, हम चावल के आटा को हम बनाएंगे ढूड़ी, और पहले फरा बनाएंगे, फिर उसके बाद ढूड़ी बनाएंगे। अभी फरा का आटा सान रहे हैं, जो हम लोग चढ़ाते हैं, ये गणेश भगवान का बहुत प्रिय है। और देखिए दोस्तों, अभी हम आटा गूंथ लिए हैं, अब इसको ऐसे बनाएंगे लंबा लंबा, फिर इसको पानी उबलने के लिए रख दिए हैं, और पानी में डालेंगे इसको, लगभग आधा घंटा तक पकाएंगे। जब इसमें से झाग निकलने लगेगा तभी पक जाएगा। देखिए दोस्तों, हम पानी में डाल दिए हैं, अब पानी डालने के बाद देखिए दोस्तों, अभी उबाल कर रहा है, इसको चलाएंगे धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे पकेगा। इसमें ऐसे ही पानी में पकेगा, थोड़ी देर पकेगा, फिर इसको निकाल कर एक बर्तन में रख लेंगे। ये दोस्तों, अभी थोड़ा सा पक गया है, अब इसको हम देख रहे हैं पका हुआ कि नहीं पका हुआ है। अब पक गया, अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ऐसे इसको कटोरी में इसको रख देंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अब ये सूख जाएगा। अभी गीला गीला लग रहा है, तब सूखने के बाद और ही अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, अभी ऐसे लगा दोस्तों, अब देखिए, अब इसको हम बना ये आटा गूंथ रहे हैं पूड़ी के लिए। अभी हम इसमें पूड़ी, हलवा ये सब बनाएंगे। अभी पूड़ी के लिए आटा गूंथ रहे हैं, अब आटा गूंथने के बाद रख देंगे, तब उसके बाद बनाएंगे ढोड़ी, जो कि अभी चावल थोड़ा सा रखे हैं, चावल के आटा को। देखिए दोस्तों, अभी हम आटा गूंथ लिए हैं, अब इसको गूंथने के बाद इसको आधा घंटा तक रख देंगे, तब तक ये सही हो जाएगा थोड़ा सा। फिर पूड़ी बनाने में बहुत क्रंची होता है। देखिए दोस्तों, अब पूड़ी हम बना रहे हैं, पूड़ी का लोइया काट रहे हैं, और लोइया काट के इसको पेड़ा बना लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम पेड़ा बना रहे हैं, और पेड़ा बना बना के रख देंगे, फिर पूड़ी बेलेंगे, बेलते जाएंगे, और कढ़ाई में तेल रखेंगे। कम तेल डाल देंगे, गर्म हो गया है, और इसको पूड़ी बेलते रहेंगे, और इसमें डालते रहेंगे। अभी फूलने तक इसमें पकेगा, जब ये फूल कर बाहर फिर निकालेंगे इसको। देखिए दोस्तों, अभी पूड़ी डाल रहे हैं, क्योंकि अभी ये फूलेगा, फूलने के बाद देखिए दोस्तों फूल गया है। फूलने के बाद अब इसको हम निकालेंगे, ब्राउन होने तक पकेगा, फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, ब्राउन हो गया है, अब इसको हम बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने के बाद एक बर्तन में रख देंगे। निकाल लिए हैं, अभी हम बनाएंगे ढूड़ी का चाशनी, जो अभी हम बता रहे हैं। थोड़ा सा आटा रखे हुए हैं, देखिए दोस्तों, ये चढ़ाने के लिए बनाते हैं, जो हम लोग करों में बनाते हैं। अभी इसको ढूड़ी है, ढूड़ी के लिए हम वो चावल का आटा कवरेंगे, इसको ब्राउन होने तक खूब अच्छे से इसको। अभी चाशनी अभी हमारा पक रहा है, अब देखिए दोस्तों ब्राउन हो गया है। अभी ब्राउन होने के बाद फिर इसको एक थाली में निकालेंगे। देखिए दोस्तों, थाली में निकाल लिए हैं, अब इसमें जो अभी हम चाशनी बना रहे थे उसको थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, और इसको चम्मच के साथ चलाएंगे भैया, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अभी ये पाना नहीं है, फिर थोड़ा सा मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, मिला दिए हैं, इसको चम्मच से चलाते रहें, और हाथ से अब छोटा छोटा लड्डू की आकार देंगे हम इसको। और इसको बना लिए हैं, इसको रख देंगे। अब बनाएंगे इसमें सूजी, जो अभी पूड़ी छान रहे थे, अब बचा हुआ वही कढ़ाई में थोड़ा सा तेल था, अब इसको बनाएंगे सूजी। जो हम लोग उसको वापस सूजी है, फिर उसको बाहर हुआ बोलते हैं। इसमें चीनी डालेंगे, फिर इसमें मेवा डालेंगे, इसको अच्छे से ब्राउन होने तक फिर इसको भी पका लेंगे। फिर इसमें पानी डाल देंगे, इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे, दूध डालेंगे, भाई धीरे धीरे चलते चलते अच्छे से पक गया है। हमारा
करवा चौथ का सामग्री तैयार हो गया है। अब ऊपर हमारा बेटा जो है वो बना रहा है रंगोली, जिसमें कि हम वहाँ पैर खड़े होकर करवा चौथ को देखेंगे। एक देखिए दोस्त, मेरा बड़ा वाला लड़का है जो रंगोली बना रहा है अपने मम्मी के लिए। ऊपर वाले छत पे बना रहा, क्योंकि हमारे नीचे वाले छत पे सूरज दिखता नहीं है, चाँद दिखता नहीं है। देखिए दोस्तों, रंगोली बनकर तैयार होने वाला है। धीरे धीरे बना रहा है मेरा लड़का, अच्छे से इसका आकार दे रहा है बीच का। देखिए दोस्तों, बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा और रंग डालेंगे। अभी ये आटा से गूंथ रहा था, अब देखिए दोस्तों रंग डाल दिया है। कितना खूबसूरत लग रहा है रंगोली देखने में, जो कि वो छत के ऊपर बनाया हुआ है, कि मेरी मम्मी चाँद को चाँद देखेंगी यहाँ से खड़े होकर। देखिए दोस्तों, रंगोली देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। छोटा सा लड़का है भाई मेरा बना रहा है। जब रंगोली बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि अंधेरा है, टॉर्च के द्वारा इसको देख देख कर बना रहा है। ऊपर अंधेरा था, दिख नहीं रहा था। देखिए दोस्तों, मैं छोटा वाला लड़का तो टॉर्च दिखा रहा है, बड़ा वाला लड़का बना रहा है रंगोली को। देखिए दोस्तों, रंगोली बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ हम जा रहे हैं, पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर यहाँ आप सारा सामग्री लेकर आएंगे। ये दोस्तों, ये रंगोली बनकर एकदम से तैयार हो गया है अब छत के ऊपर। अब हम जा रहे हैं पूजा करने। पूजा का सामग्री दो कलशा रखेंगे, जो कि एक में चावल रहेगा, दूसरे में पानी रहेगा, और एक में लाई गट्टा चिवड़ा जो लाए हैं उसको लगाएंगे। और वहाँ सेब संतरा ये सब रख दिए चढ़ाने के लिए। और पाँच रंग का हम लोग चूड़ी नाखून ये सब भी चढ़ाते हैं, जो कि सिंगार का सामान होता है। अगरबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती लगा दिए हैं। अब वहाँ चंदन लगाएंगे माता को। चंदन लगाने के बाद फिर हम पूरा सारा सामग्री जो चढ़ाए हैं उसको हम लोग वहाँ जब छत पे जाते हैं, चाँद को देखते हैं। चाँद को देखने के बाद जितना सामग्री हम लोग खाना सब कुछ चढ़ाए रहते हैं। दोस्तों देखिए, अभी टिक्का लगा रहे हैं। टीका लगाने में जितना सामग्रियाँ रहती हैं सब पे हम लोग टीका लगाते हैं। टीका लगाने के बाद फिर उसके बाद कथा कहेंगे। कथा करने में ये जो थाली में रखे हुए हैं इसको अपने सासू माता को दे देंगे, क्योंकि हम लोग भी अपने यहाँ सुहागन सासू माता होती हैं उनको दे देते हैं ये जो चढ़ाते हैं। और उस पर जो वहाँ नीचे चढ़ा हुआ है वही कलशा हम फेर करते हैं, इधर उधर करते हैं, क्योंकि हम लोग को 7 बार फेरना होता है कलशा को। हम कलशा फेर रहे हैं। कलशा फेरने के बाद फिर उसके बाद इसको लेकर छत पे जाएंगे, जहां हम लोग चाँद को देखते हैं। अभी हम इसको सब चढ़ाएंगे, फिर कथा कहेंगे। कथा कहने के बाद फिर हम इसको लेकर छत पे जाएंगे। थाली में रख रहे हैं, क्योंकि थाली में भूल गए थे रखने के लिए, वहाँ भी चढ़ा दिए हैं। क्योंकि कल से मैं रखे थे लेकिन थाली में नहीं रखे थे, गट्टा चिवड़ा और सब लड्डू वड्डू सब रखे थे, क्योंकि गणेश भगवान का मोदक बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग लड्डू चढ़ाते हैं। अब कथा कह रहे हैं। कथा कहने के बाद फिर उसके बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम लोग छत पर जाएंगे। अब जितने सामग्री वहाँ चढ़ाए थे सिंगार का सब सासू माता को दे देंगे। अब इसमें से चूड़ी चढ़ाएंगे, क्योंकि मेरी सासू माता ये चूड़ी पहनती नहीं है, थोड़ा वाली चूड़ी पहनती हैं, इसलिए इसको हम चढ़ा रहे हैं। और चढ़ाने के बाद इसको सासू माता को सब सारी चीज़ दे देंगे। अब लेके जा रहे हैं छत पर।